हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 5, जिसमें हम जो टॉपिक है कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल। तो कंबशन और फॉसिल फ्यूल में जो पहला टॉपिक है कंबशन। कंबशन मीन्स मतलब जलना, यानी किसी भी चीज़ का हवा के प्रेजेंस में जलने को हम लोग क्या कहते हैं, कंबशन कहते हैं। एनी थिंग दैट आर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्रोड्यूस हीट लाइट एंड साउंड ETC इज नोन एज कंबशन। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन में जलना जिसकी वजह से गैस हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है तो कंबशन कहलाता है। तो नेचर में ऐसे कुल सब्सटेंस कितने हैं? तो नेचर में जलने वाले सब्सटेंस कुल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक कंबसिबल जिनको हम जला सकते हैं और नॉन कंबसिबल जिनको हम नहीं जला सकते हैं। तो नहीं जला सकने वाले सब्सटेंस में वाटर, ग्लास, सैंड, मिट्टी एक्सेट्रा आप सभी जानते हैं, ये सभी जो जल नहीं सकते हैं। लेकिन जो जल सकते हैं वो सब्सटेंस कौन कौन से हैं, जैसे पेपर, वुड एंड केरोसिन, पेट्रोल, LPG, वैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप कपूर का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इन सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। तो अब क्वेश्चन होता है कि अगर चीज़ें जलती हैं तो वो कुल कितने टाइप की होती हैं? तो ये जो चीज़ें कंबसिबल सब्सटेंस जो जलते हैं वो कुल टोटल 3 प्रकार के हो सकते हैं। जैसे एक होता है रैपिड कंबसन, एक होता है एक्सप्लोजन और एक होता है स्पॉन्टेनियस। रैपिड कंबसन क्या होता है कि जब कोई सब्सटेंस एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा मात्रा में जल जाए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट और लाइट प्रोड्यूस्ड हो तो उसको हम लोग कहते हैं रैपिड। यानी इसमें प्रोड्यूस होगा इन शॉर्ट पीरियड प्रोड्यूस्ड लाइट एंड हीट, ये रैपिड कंबसन है। लेकिन जो एक्सप्लोजन है, ये जो एक्सप्लोजन है, ये एक्सप्लोजन लाइट, हीट और साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, इसके साथ मात्रा बहुत ज़्यादा मात्रा में गैस भी प्रोड्यूस होती है, तो इनको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोजन। और जो स्पॉन्टेनियस होता है ये केवल लाइट और हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जलेंगे कब, केवल रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर, नो इग्निशन टेम्परेचर, इट प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। जैसे इसके एग्जाम्पल में आ जाता है फॉस्फोरस। फास्फोरस को अगर आप हवा में जलाते हैं तो इसको जलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसको आप हवा में रख दीजिए तो भी अपने आप जल जाएगा। बंद करो। हाँ बच्चों, तो हम सभी जानते हैं जब कंबसिबल सब्सटेंस को हम अगर डिवाइड करते हैं तो कंबसिबल सब्सटेंस जो होते हैं इनको हम दो भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को कहते हैं कंप्लीट कंबशन और दूसरे को कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन। देखिए, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन में क्या अंतर होता है, इसके रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, और भी किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। यानी जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं हवा के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट और उसके साथ साथ मात्रा में हीट भी प्रोड्यूस होती है, ये चार चीज़ प्रोड्यूस होंगे। लेकिन जब इनकम्प्लीट कंबसन होता है तो हमेशा याद रखिए, ये सब्सटेंस इन एब्सेंस ऑफ एयर, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और केवल क्या बनता है, हीट बनता है, लाइट नहीं बनती है। तो हमेशा इन दोनों में चीज़ में यही डिफरेंस होता है कि कंप्लीट कंबसन में ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, और यहां पर लाइट प्रेजेंस होता है और यहां पर लाइट एब्सेंस होता है। हाँ स्टूडेंट्स, तो हम लोग आ जाते हैं कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबसन, यानी किसी भी सब्सटेंस के जलने में कौन कौन सी कंडीशन जरूरी होती है। देखिए, तो मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर आपको आग जलाना है तो आपको इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर इन 3 चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ का एब्सेंस हो गया तो आपकी आग नहीं जलेगी। जैसे आपको चाहिए कोई कंबस्टाइल सब्सटेंस, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस जो जल सके, वो चाहिए, प्लस आपको चाहिए इग्निशन टेम्परेचर, यानी जब तक आप उसको बाहर से आग नहीं देंगे तब तक वो जलेगी नहीं, यानी उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, और फिर एयर, और अगर एयर का एब्सेंस है तो वो नहीं जलेगा। यानी अगर आप इन 3 चीज़ों को आप देंगे तभी वो आग जलेगी। देखो,